नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। चार दिन पूर्व साइंस कोर मैदान के पास सिटी बस के एयर ब्रेक फेल होने से 9 वर्षीय मासूम बालक की बस की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद नागरिकों ने सिटी बस की भारी तोड़फोड़ कर उसे जलाने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह अनहोनी टल गई थी। पश्चात पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर शहर की लाइफलाइन की सभी बसें RTO के जरिए फिर से जांच करवाए बगैर सड़कों पर न चलाने के निर्देश मिलने के बाद पिछले 4 दिनों से शहर की सिटी बस सेवा बंद है। कारण शाले विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिटी बस बंद रहने के कारण ऑटो रिक्शा वाले मनमाने तरीके से नागरिकों से किराया वसूल कर रहे हैं। इस कारण विद्यार्थी, आम नागरिकों सहित वरिष्ठ नागरिक व मरीज सिटी बस सेवा के अभाव से त्रस्त हो गए हैं। नागरिकों की इस परेशानी को देखते हुए मनपा प्रशासन की अनदेखी और RTO कार्यालय की लापरवाही कार्यप्रणाली के चलते अब तक शहर की सिटी बस की जांच अधिकारियों द्वारा न किए जाने से शहर की लाइफलाइन शुरू नहीं हो पाई है। जुलाई माह में 106% बारिश होने का अंदाज मौसम विभाग ने व्यक्त किया था। अमरावती संभाग में अब जाकर अनेक जगहों से तेज तथा भरपूर बरसात होने के समाचार मिल रहे हैं। अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम में बुधवार और गुरुवार को कई जगहों पर बारिश ने कहर बरपाया। वहीं अनेक स्थानों पर बारिश सुखद रहने के समाचार है। अमरावती जिले में बरूड, अचलपुर, चिकलदरा, दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी तहसीलों में कई कई अतिवृष्टि के समाचार है। इससे बाढ़ आने के कारण घरों में पानी प्रवेश कर जाने से नुकसान की भी जानकारी मिल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस समय सरकार द्वारा एक के बाद एक घोषणाओं की बारिश की जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। वहीं अब सरकार में शामिल विधायक बच्चू कटू ने भी इन योजनाओं को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए आगामी 9 अगस्त को विभागीय आयुक्तालय पर निराधार व दिव्यांगों का मोर्चा निकालने की घोषणा की। इसके साथ ही विधायक कटू ने यह भी कहा कि विशालगढ़ किले पर हुए अतिक्रमण को हटाने का मामला नीचे विशालगढ़ गाँव तक कैसे आ गया यह पता ही नहीं चला, और विशालगढ़ गांव में रिहायशी बस्ती पर हुए हमले का हम निषेध करते हैं। साथ ही उन्होंने पूजा खेड़कर मामले में 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही और CM शिंदे को राज्य का अब तक सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री बताया। गाड़ियानगर पुलिस ने 40 दिन पूर्व चोरी के संदेह में पंचवटी चौक पर छोटा मोटा व्यवसाय कर अपना पेट भरने वाली शीतली थापा नामक नेपाली महिला को कब्जे में लेकर उसके साथ निर्ममता पूर्वक मारपीट की थी। यह मामला गरमाने के बाद मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लिया था। मुंबई मानवाधिकार आयोग कार्यालय में इस प्रकरण की सुनवाई अब पूरी हो गई है। अब शनिवार 20 जुलाई को इस प्रकरण में फैसला सुनाया जाएगा। मानवाधिकार की नोटिस मिलते ही पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने इस प्रकरण में नगर के घटना के समय थानेदार रहे गिरमे को कंट्रोल रूम अटैच कर दिया था, साथ ही PSI सहित 3 जवानों को निलंबित कर दिया था। प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 42 ग्राम पंचायतें TB मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में घोषित की गई है। इन ग्राम पंचायतों में सरपंचों और ग्राम सचिवों को अमरावती के ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में जिलाधिकारी सौरभ कटियार, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश आसोले सहित स्वास्थ्य अधिकारियों के हाथों महात्मा गांधी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आज सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे और उनकी समस्याओं को खुली आंखों से देखा यों जाना। विभिन्न विभागों के सब अधिकारियों और उनके साथ आए कर्मचारियों की टीम मेलघाट के सब गांव में रवाना हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ कटियार के हाथों चिकलदरा के कोहना गाँव में उपक्रम की शुरुआत की गयी। इस दौरान गाँव के विभिन्न कामों का निरीक्षण करते समय जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को भेड़ देकर आहार के बारे में जानकारी ली, साथ ही जांच के बारे में भी गहनता से जानकारी ली। इस बार जिलाधिकारी ने राशन दुकान का भी दौरा किया। विधायक सुलभा कोड़के ने बुधवार को अनेक मंदिरों में विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन कर विश्व मांगल्य की प्रार्थना की। उन्होंने सदिच्छा कॉलोनी विनायक नगर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन कर उपस्थितों को संबोधित किया। कोड़के ने कहा कि ज्ञानेश्वर मावली संत तुकाराम महाराज ने आषाढ़ी एकादशी के अनन्य साधारण महत्व को घर घर तक पहुँचाया। इस समय श्रीमती कोड़के ने विठ्ठल रुक्माई की पूजा की, अर्चना करते हुए क्षेत्र और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। श्री विठ्ठल रुक्मिणी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विधायक कोड़के का स्वागत भी किया गया। तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर ने लाडली बहन योजना में प्रत्येक महिला को 5,000 रुपए देने की मांग उठाई है। यशोमती ने कहा कि लाडले भाई को 10,000 रुपए महीना देने का सरकार ने निर्णय लिया है, फिर भी महिलाओं को सम्मानजनक राशि दी जानी चाहिए।
महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संगठन अंतर्गत अमरावती जिला संगठन द्वारा सोमवार से शुरू किया गया काम बंद आंदोलन आज गुरुवार चौथे दिन भी जारी रहा, जिसमें विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, विभिन्न तहसील कार्यालय में काम नहीं हुए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने के समाचार है। उधर शासन और प्रशासन ने आज दोपहर तक आंदोलन की दखल नहीं ली थी। मंत्री विखे पाटिल से चर्चा की, कर्मचारी संगठन की तैयारी के बावजूद खबर लिखे जाने तक चर्चा नहीं हुई थी, इससे आंदोलन के और तीव्र होने एवं लंबे खींचने के आसार बढ़ गए थे। काम बंद के कारण लोगों के कोई मसलात हल नहीं हुए। आमचा राज्यव्यापी संप हा 10 तारखेपासून सुरू आहे। 10 तारखेपासून जो संप सुरू आहे तो विविध टप्प्यांमध्ये आधी काळ्या फिती लावणे, निदर्शनं, लेखनी बंद, नंतर सोमवारपासून बेमुदत संप सुरू आहे आमचा। आज बेमुदत संपाचा 4था दिवस आहे। शासनाकडे विविध मागण्यांसाठी आम्ही निवेदन आमच्या राज्य संघटनेमार्फत दिलेलं आहे। राज्य संघटना शासनाकडे सतत याचा पाठपुरावा करत आहे, परंतु शासनाकडून अद्यापही कोणती दखल न घेतल्यामुळं आमचा आजचा हा 4था दिवस बेमुदत आंदोलनाचा संप सुरू आहे। देश में भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ गई है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के नाम पर ठगने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इतना ही नहीं तो भाजपा सरकार ने छात्रों के भविष्य को खतरे में ला दिया है। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक मामले सामने आए हैं। नीट परीक्षा को लेकर मां घोटाला हुआ है। इस मां घोटाले के खिलाफ अमरावती शहर जिला युवक कांग्रेस ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने निषेध किया। नीट परीक्षा मां घोटाले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा नीट परीक्षा पुनः ली जाए, इस मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। गेल्या 2014 पासून या भारत देशामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक वातावरण निर्माण झालेलं आहे, एक भ्रष्टाचारी वातावरण, एक दंगलीचं वातावरण, बेरोजगारी वाढून राहिली आहे। तिच्यात 7 वर्षात 70 पेपर लीक झालेले आहे। ह्या सरकार म्हणजे फक्त भ्रष्टाचार आणि आपली मनमानी करण्याचा पूर्ण आणि आपली दडपशाही दाखवण्याचा प्रयत्न हे भाजप सरकार करत आहे। त्या भाजप सरकारला एक वचक म्हणून युवक काँग्रेस हमेशा हे रस्त्यावर उतरत असते। गेल्या काही दिवसापहिले नीट एक्झामच्याबद्दल जे पेपर फुटीचं प्रकरण झालं, असं पेपर फुटीचं प्रकरण हर पेपर म्हणजे हर एक्झामचे पेपर हे लीक होत आहे। तिच्यात नीट एक्झाम एवढी मोठी एक्झाम जी लीक झाली, जे पेपर फुटी झाली, त्या पेपर फुटीच्या विरोधात युवक काँग्रेस आज रस्त्यावर उतरलेली आहे। त्या नीट एक्झाम ही डबल झाली पाहिजे, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि जे दोषी आहेत त्या दोषींवरती कडक कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी पूर्ण महाराष्ट्रभर युवक काँग्रेस रस्त्यावर उतरलेली आहे। देश में हर 10 वर्ष में जाति निहाय जनगणना होती है, लेकिन विगत कई वर्षों से देश में जाति निहाय जनगणना नहीं होने से विभिन्न जाति के युवाओं में रोजगार बढ़ी है। इसलिए पूरे देश में जाति निहाय जनगणना की जाने की मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से की गई है, जिसके चलते आज गुरुवार की दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। जर या देशामध्ये असलेली जातीय रचना मान्य करून मागासलेल्या जातीच्या आणि सर्व जातीच्या जनतेची जनसंख्या जी आहे त्याची गणना झाली पाहिजे आणि एवढंच नाही जर आरक्षणावरची आणि नोकऱ्यावरची जी मर्यादा या देशामध्ये 50% घालून दिलेली आहे कोर्टाने, ही मर्यादा उठवली पाहिजे। याकरता आज 18 जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा कचेऱ्यावरती पंतप्रधानाच्या नावानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं जाहीर निवेदन देण्यात येत आहे। कोल्हापुर के विशालगढ़ और गाजापुर में हुई हिंसा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए तहरीक उलेमाए हिंद ने पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को ज्ञापन सौंपते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हाल ही में हुए कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ और गाजापुर में अल्पसंख्यक समाज के घरों और धार्मिक स्थलों पर हुए हमले की जानकारी देते हुए इस हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय ताजनगर से असमा कॉलोनी, जमील कॉलोनी, गुलिस्तानगर, यास्मीन नगर की ओर जाने वाले ताजनगर पुल पर सुरक्षा रेलिंग बनाने की मांग कांग्रेस ब्लॉक एक अध्यक्ष गुड्डू हमीद ने मनपा आयुक्त से की है। जिले के चांदूर रेलवे शहर में मिलिंद नगर में रहने वाले नितेश अशोक मेश्राम की 13 जून को पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु के मामले में दोषी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर हत्या और एट्रोसिटी का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर मृतक की मां वंदना अशोक मेश्राम ने आज से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की है। या प्रकरणामध्ये या नेल्यापासून तो पुढे वारेपर्यंत जे काही संबंधित जे काही चुके गुन्हेगार असेल आम्ही तर पाहणार नाही कोण गुन्हेगार आहे काय आहे। पोलीस प्रशासनाने याची सखोल चौकशी करण्यात यावी। त्या पोलीस स्टेशनमध्ये ज्यांनी त्यांना नेलं त्यामध्ये त्याला कोणं मारलं काय मारलं, त्याची मृत्यू कशामुळे झाली काय झाली, हे महिना झाला महिन्यापासून महिन्याभरापासून डॉक्टरांकडून रिपोर्ट आलेला आहे का याची नैसर्गिकरित्या मृत्यू झालेली नाही आहे।
अनैसर्गिकरित्या मृत्यू झालेली आहे. एवढं स्पष्ट असूनही पोलीस प्रशासन व ग्रामीण जे एस पी साहेब हे जर कारवाई करत नाही, आम्हाला आश्वासन दिलं त्यांनी बाबा मी त्यांनी कोणतीही हयगय करणार नाही व दोषींवर कडक कारवाई करणार म्हणून, पण अद्याप महिना उलटूनही कोणती कारवाई नाही झालेली आहे. त्यासाठी त्याची आई त्याच्या न्याय भेटासाठी सगळा परिवार इथं उपोषणाला बसले आहे. गलत अफवाह फैलाकर पुलिस प्रशासन को भ्रमती कर कुछ लोग पिछले 23 वर्षों से प्लाट उनके ताबे में है. आरोप है कि उक्त लोग प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देकर दबाव डालकर मूल मालिकों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. धारणी तहसील के मोजे तलाई सर्वे नंबर 35B के मूल प्लाट धारकों ने पुलिस संरक्षण देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी सौरभ कटियार और पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को ज्ञापन सौंपा. समीपस्थ कौंडन्यपुर स्थित रुक्मिणी विदर्भ पीठ में आगामी रविवार 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत रुक्मिणी विदर्भ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राज राजेश्वरानंद जी समर्थ राजेश्वर मावली सरकार के पाद्य पूजन व दर्शन समारोह सहित गुरु दक्षिणा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. मध्य रेलवे ने भुसावल खंडवा सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण 22 जुलाई को 8 गाड़ियां रद्द कर दी है, जिसमें बडनेरा नरकेट और नरकेट बडनेरा मेमू ट्रेन का समावेश है. उसी प्रकार नागपुर आमला और आमला नागपुर भी उस दिन नहीं दौड़ेगी. पुरानी जान पहचान का फायदा उठाते हुए अमरावती से मध्य प्रदेश के भोपाल भगा ली गई 17 वर्षीय नाबालिग युवती को पुलिस ने सही सलामत और सकुशल खोज निकाला. साथ ही शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 के बगल में लगातार 3 दिन के दौरान करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए तकनीकी जाँच के आधार पर गौरव चोपड़े नामक आरोपी को भी धर दबोचा, जो भोपाल स्थित एक कैफे में नौकरी करता है. इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रिहायशी परिसर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का विगत 21 जून को अपहरण कर दिया गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर राजापेट पुलिस अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की और उक्त नाबालिग लड़की को सकुशल खोज निकालने हेतु शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने राजापेट पुलिस सहित अपराध शाखा व साइबर पुलिस सेल की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे. इस समय समूचे राज्य में विशालगढ़ किला परिसर में किए गए अतिक्रमण को हटाने के चलते दो समुदाय के बीच तनाव वाली स्थिति चल रही है. इसी दौरान कुछ लोग सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जिससे वातावरण और भी अधिक भड़क रहा है. कुछ ऐसा ही मामला आज अचलपुर परिसर में भी सामने आया, जहां 17 वर्षीय नाबालिग युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट से आहत होकर 300 से 400 लोगों का हुजूम अचलपुर पुलिस थाने पर इकट्ठा हो गया तथा पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगा. नाव बढ़ता देख पुलिस ने अचलपुर में ही रहने वाले उक्त नाबालिग युवक को तुरंत ही जांच व पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लिया तथा उसे अपनी इंस्टा पोस्ट डिलीट करने हेतु कहा. पिता का नाम शिकायत में डालने के कारण पर से लोनी पुलिस स्टेशन में युवक ने हंगामा मचा दिया. पुलिस से उलझकर गाली गलौज की गई. यह घटना मंगलवार 16 जुलाई की शाम 6 बजे के दौरान घटित हुई. इस प्रकरण में लोनी के सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद गिरडकर की शिकायत पर लोनी टाकली ग्राम निवासी आकाश हरिचंद्र गायगोले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. काम पर से जल्दी न छोड़ने के कारण संतप्त हुए मजदूर ने ठेकेदार राजू आठोले के सिर पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. 14 दिन पूर्व की इस घटना के बाद संबंधित मजदूर ठेकेदार के बेटे को भी जान से मारने की धमकी देता आ रहा था. जख्मी ठेकेदार पर अभी भी उपचार जारी है. यह मामला गरमाने के बाद अब गाड़गानगर पुलिस ने आरोपी गजानन सावरकर पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है. साइबर अपराधी द्वारा हर दिन किसी न किसी को लाखों का चुनान लगाया रहने की शिकायतें आ रही है. ऐसा ही एक मामला अमरावती शहर के गुरुदेव कॉलोनी निवासी मिथिलेश राजू बजाज नामक जिम संचालक के साथ घटित हुआ. ऑनलाइन व्यायाम के बड़े उपकरण मंगाने पर उसे सभी साहित्य छोटे बॉक्स में भेजे गए. अपने साथ 4 लाख रुपए की ठगी होने का पता चलते ही जिसके चलते ही उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है. विलासनगर स्थित मौसीकाल जिन के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरी के प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है. भक्तों की सतर्कता के कारण चोर चोरी करने में सफल नहीं हो पाए. इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया. देर रात तक गाड़गेनगर व नागपुरी गेट पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घटना का जायजा लिया. चांदूर बाजार तहसील के ग्राम थुगांव में 55 वर्षीय आदिवासी समाज के व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम शिवराम सावलकर थुगांव निवासी बताया गया है.
खेतियर मजदूर ने अपनी मां के मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिला अस्पताल में करवाया। 13 दिन तक यह मजदूर अपनी मां की देखरेख करता रहा। पश्चात छुट्टी मिलते ही उसे ऑटो रिक्शा में बिठाकर घर रवाना कर दिया। पश्चात इस व्यक्ति की संदेहास्पद अवस्था में मृत्यु होने से खलबली मच गई है। पुलिस ने आकस्मिक घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति का नाम पुजदा ग्राम निवासी दीपक मोहड़ है। जिले के दरियापुर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन होने वाली विद्युत तार की चोरी के मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 3.5 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ। चोरों की इस टोली ने येवदा, दरियापुर व अचलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली के एल्यूमिनियम तार चुराने के मामले की कबूली दी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक विगत 26 जून को कतरखेट गाँव स्थित प्रवीण खेटकर के खेत में लगे 100 केवी की क्षमता वाले रोहित्र से निकालने लघु दाब लाइन के 25 पोल से एल्यूमिनियम के तार चुरा लिए गए थे। पुलिस हेल्पलाइन क्रमांक डायल 112 पर आई फोन कॉल पर त्वरित रिस्पांस देते हुए पुलिस के पथक ने अपने शरीर पर ब्लेड चलाकर खुद को लहूलुहान कर चुके एक युवक की जान बचाने में सफलता प्राप्त की और उसे तुरंत इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह पुलिस नियंत्रण कक्ष में टाकरकेड़ा निवासी अरुण देशमुख नामक व्यक्ति ने फोन कॉल करते हुए बताया कि उनका बेटा शुभम देशमुख मानसिक तौर पर बीमार है, जो अपने घर के सामने दोनों हाथों में ब्लेड लेकर बैठा हुआ है और को ब्लेड मारकर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। बडनेरा पुलिस ने आज दोपहर 3:30 बजे अंजनगांव बारी रोड पर गांजा खेप पकड़ने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फोर व्हीलर से ले जा रहा 30 किलो गांजा जब्त किए जाने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी और बताया कि आरोपी जावेद शेख तथा मोहसिन शेख इसको दबोच लिया। दोनों आरोपी नांदगांव खंडेश्वर के रहने वाले बताए गए हैं। अकोला में शराब के नशे में धुत रहने वाले युवक ने अपने बीमार पिता को जिंदा जला दिया। चूंकि उक्त बीमार पिता पैरालिसिस का शिकार था, ऐसे में वो खुद को बचाने हेतु कोई प्रयास नहीं कर पाया तथा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अजाबराव बापूसा इंगले के तौर पर हुई है। वही इस मामले में बालापुर पुलिस ने कलयुगी बेटे आकाश इंगले को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। यह सनसनीखेज वारदात बालापुर तहसील अंतर्गत लोटनापुर में घटित हुई। अकोला में शिवसेना उबाठा विधायक नितिन देशमुख ने आज दोपहर बालापुर पालिका कार्यालय में तहसीलदार वैभव फरकाडे और कृषि अधिकारी को बंधक बना लिया, जिससे पूरे जिले में तहलका मच गया। समाचार लिखे जाने तक तहसीलदार और अन्य अधिकारी को एक ही कक्ष में बंद कर विधायक देशमुख और किसान डटे हुए थे। वे बीमा कंपनियों के अधिकारी और एजेंटों को वहां आने के लिए मांग पर अड़े थे।